हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो यहाँ पर जो है मॉर्निंग का जो भी मेरा काम था वो सारा कुछ हो चुका है और आफ्टरनून का टाइम है। तो मैं जो है मुझे मॉर्निंग में ही लगाना था कलर, बट मैं कुछ कामों में बिज़ी रही तो नहीं लगा पाई। तो आजकल गर्मी है तो कभी भी लगा लो, कुछ ऐसा नहीं रहता है। तो बस मैं यहाँ पर जो इंस्टा स्ट्रिक्स का कलर है वो लगा रही हूँ। और कलर का जो वो कलर जो है वो है बरगंडी। तो इसके साथ तीन पाउचेस मिलते हैं। ये जो छोटा वाला है ये कंडीशनर है, बाकी जो दो हैं एक डेवलपर और दूसरा एक क्रीमर है। तो दोनों को एक ही में मिक्स करके बस मैं लगा लूँगी। एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये कलर काफ़ी अच्छा लाता है, बालों को स्मूथ कर देता है, सॉफ्ट एंड सिल्की कर देता है। दूसरी बात ये है कि नो अमोनिया है, मतलब कि कोई भी इसमें किसी भी प्रकार की कास्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से भी ये काफ़ी अच्छा है। और जो है इसको लगाना भी बहुत ही ईजी है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये 10 मिनट्स में लग करके कंप्लीट हो जाता है। और 10 मिनट्स ही आपको लगाना होता है, मतलब कि आपको इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से ये टाइम टेकिंग भी है, तो 10 मिनट्स में आप लगा करके इसको कंप्लीट भी कर लो और बस 10 मिनट्स के लिए छोड़ दो और उसके बाद वॉश कर लो। तो वॉश आप चाहो तो शैम्पू से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने पहले मॉर्निंग में बालों को अपने धो लिया था, उसके बाद मैं लगा रही हूँ, क्योंकि साफ बालों में लगाने का फ़ायदा अलग ही होता है। अगर आपके बाल थोड़े भी गंदे होंगे तो फिर वो चीज़ फिर अच्छे से नहीं आती है। फिर शैम्पू करो तुरंत तुरंत तो थोड़ा सा वो छूट जाता है। तो इस वजह से बस मैं यहाँ पर जो है दोनों हाथों में मैंने ग्लव्स वगैरह भी पहन लिए हैं और उसके बाद बस मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसे जो है एक एक बालों को खोल खोल करके अच्छे से लगा लूँगी। तो पहले मैं वन साइड कम्प्लीट करूँगी, उसके बाद में जो है जैसे ये मेरे आगे के बाल थोड़े थोड़े से वाइट हो गए हैं, तो मैं बस यहाँ पर जहाँ पर वाइट बाल हैं वहाँ पर मैं ज़्यादा ध्यान दूँगी। तो बस जो है मेरे जो एक एक दो दो बाल हैं उनको मैं खोल खोल करके अच्छे से टाइम टेकिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग अच्छे से साफ़ कर लूँगी और सॉरी लगा लूँगी। और फिर जो है बस मेरा ये वन साइड कम्प्लीट होने के बाद पहले मैंने दो पार्ट में अपने बालों को डिवाइड कर लिया है। वन पार्ट में मेरे जो हैं वो मेरे ऊपर की लेयर लग गई है और जो नीचे की लेंथ होती है उसमें लगाना बाकी है। तो बस मैं वहाँ पे भी लगा लूँगी। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है कि अपने हाथ लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि पीछे जो होता है ना वो पीछे सही से नहीं लग पाता है। अगर हम किसी और से लगवाते हैं तो लग जाता है, अदरवाइज़ अपने हाथ से लगाने को लग जाता है बट थोड़ा सा सही से नहीं लग पाता है। तो बस मैं यहाँ पर भी मेरे वन साइड कंप्लीट हो गए हैं और दूसरे साइड भी मैं लगा करके कंप्लीट कर लूँगी। और लगाने के बाद बस ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो है अगर हल्का फुल्का ये स्किन में लग भी जाता है तो ये तुरंत का तुरंत छूट जाता है, लगा नहीं रहता है। तो अगर आपको ये नहीं सूट कर रहा है तो पहले आप हल्का सा अपनी स्किन में लगा के देखिए, अगर थोड़ी सी भी जलन या खुजली वगैरह कर रहा है तो आप बिल्कुल भी ना लगाएं, फिर आप जो लगा रहे हैं वही लगाएं। लेकिन इसमें हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं अपने यहाँ पर अपने बालों को कंप्लीट करके और बस 10 मिनट्स के लिए धो। तो ये देखिए मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं ना कलर लगाने के बाद। और सच में कलर वलर लगाने के बाद बालों का कलर जो है बड़ा सुंदर सा आ जाता है। तो ये देखिए बाल एक भी वाइट भी नहीं दिख रहा है और बाल बड़े सुंदर से भी हो गए हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना, काफ़ी कलरफुल काफ़ी। और मेरा बाल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा हल्का सा कर्ली है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना बाल। और ये हो गया है शाम का टाइम और अब मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ किचन में, बाय बाय। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, मुझे इवनिंग का काम करना था क्योंकि वो सब जो है दोपहर मेरी पूरी इन सब कामों में चली गई। तो इवनिंग में बस मैंने जो भी बर्तन वगैरह वॉश करके रखे थे जो है वो मुझे स्टैंड में लगाने थे, तो वो सब मैंने लगा दिए। और उसके बाद मुझे इवनिंग का नाश्ता बनाना था तो मैंने सोचा कि वो भी मैं बना लूँ। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी इवनिंग में नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। और जो है क्या नाम है, मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोस्टेड वर्मीसिली, यानी कि जिसको सेवई बोलते हैं। तो ये वाली वो सेवई हैं, ये ऑलरेडी रोस्ट की हुई मिलती है, इसे मतलब आपको पहले रोस्ट नहीं करना पड़ेगा। और ये मैं यहाँ पर मैं जा रही हूँ नमकीन रोस्टेड
वर्मिसली बनाने। तो बस यहाँ पर मुझे जो है प्याज और एक टमाटर की ज़रूरत है, तो बस मैं टमाटर लेने के लिए गई हुई हूँ फ्रिज से। तो बस मैं यहाँ पर टमाटर भी ले लूँगी और फिर यहाँ पर कट करके इसको अच्छे से, क्या नाम है, अच्छे से बना लूँगी। और जो है क्योंकि पहले से ही रोस्टेड है तो मुझे यहाँ पर रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और बस यहाँ पर प्याज वगैरह अच्छे से डाल करके कट करके बना लूँगी। एक्चुअली होता क्या है ना, शाम के टाइम में नाश्ता वगैरह थोड़ा सा चाहिए होता है, तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही रहता है, तो बस इस वजह से मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एग्जॉस्ट भी ऑन कर लिया है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, बिना एग्जॉस्ट फ़ैन के खड़े भी नहीं हुआ जाता किचन में, तो बस वो ऑन कर लिया है। और यहाँ पर मैं प्याज वगैरह कट करके उसके बाद फिर जो है कढ़ाई वगैरह में डाल लूँगी। बस यहाँ पर जो है मैं एक साइड में चाय भी चढ़ा दूँगी जब तक कि मेरी कढ़ाई वगैरह हो रही है। ऑयल मैंने डाल दिया है इसमें और उसमें तब तक के मैं वन साइड में चाय भी चढ़ा दूँगी। तो बस यहाँ पर मेरा ऑयल भी हो चुका था, मैंने इसमें पहले प्याज डाल दिया है। जब तक कि मेरा प्याज वगैरह भुनेगा फिर मैं इसमें टमाटर वगैरह भी डाल दूँगी। और यहाँ पर चाय के लिए मैंने इसमें दूध रख दिया है और पानी डाल करके, सारा कुछ डाल करके चाय चीनी और अदरक वगैरह डाल करके चाय को भी चढ़ा दूँगी। तो जब मुझे थोड़ी सी जल्दी होती है तो उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर लेती हूँ, चाय जैसे भी होता है मैं बना लेती हूँ। तो अधिकतर मैं चाय ऐसे ही बनाती हूँ, सब कुछ एक साथ डाल करके चढ़ा देती हूँ। और जो है ऐसा नहीं है कि चाय अच्छी नहीं बनती, चाय काफ़ी अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पर चाय भी मैंने चढ़ा दी है और ये मेरे प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ हो चुके थे। तो बस अब मुझे इसमें थोड़े से मसाले डालने हैं, ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, बस हल्के फुल्के थोड़े से पड़ते हैं। तो थोड़ा सा गरम मसाला, ज़रा सी हल्दी कलर के लिए डाली है और लाल मिर्च और नमक डाल करके बस मैं इसको डाल करके पका लूँगी। तो क्योंकि रोस्ट तो है लेकिन पकी नहीं है तो इसको पकाना भी है, तो बस यहाँ पर नमक वगैरह जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल करके और फिर इसे जो है पका लूँगी। तो बस यहाँ पर जो है मेरा ये जो प्याज था मसालों के साथ ये भुन चुका है अच्छे से। और बस भुनने के बाद अब मैं इसमें जो है वर्मिसली भी डाल दूँगी। और जितनी मुझे बनानी थी बस मैंने उतनी ही डाली है जितने लोगों के हिसाब से, तभी ये मेरी चार लोगों के हिसाब से बन गई थी, तो बस मैंने इतनी डाली है। और इस पैकेट को मैं अच्छे से फोल्ड करके और स्टेपल करके रख दूँगी, क्योंकि किसी भी पैकेट को, बारिश का मौसम है, सीलन बहुत जल्दी घुस जाती है, घुन कीड़े घुस जाते हैं सूजी के, इस वजह से। और बाद बारिश की नहीं है, मैं हमेशा से ही जो है पैकेट्स को हमेशा स्टेपल कर देती हूँ, जिससे कि वो गिरे भी ना किसी भी चीज़ में अगर रखो तो, और अच्छे से हो भी जाए। तो बस यहाँ पर जो है मेरी बन करके जो है मैंने पानी डाल दिया है, जब तक ये पकेगी तब तक मेरी चाय भी हो जाएगी। और चाय के लिए मैंने दूध पानी रख दिया, जब तक कि वो हल्का सा बॉयल होने लगेगा बस उसके बाद मैं फिर यहाँ पर मैं उसमें चाय पत्ती और शक्कर और अदरक वगैरह भी डाल करके चाय को भी रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं चाय को भी बस चाय पत्ती डाली है और शक्कर डाल करके बस इसमें अदरक भी डाल दूँगी। तो जब तक कि मेरी वर्मिसली होगी तब तक मेरी चाय वगैरह भी बन के रेडी हो जाएगी। तो जो है इस तरीके से दोनों एक साथ कर लो तो काम भी जल्दी से हो जाते हैं। और बाकी बस जो है मेरा बर्तन वगैरह मैंने पहले ही वॉश करके रख लिए थे, तो बर्तन वगैरह पड़े नहीं थे, तो बस इस समय बस खाली नाश्ता ही बनाना था।
तो बस यहाँ पर मैं अदरक भी जो है क्या नाम है जो है कद्दूकस करके और उसको डाल दूँगी अच्छे से। ये मेरा छोटा सा है, छोटू सा अदरक कस करने वाला, तो काफ़ी छोटा सा है तो काफ़ी हेल्पफुल भी है, इस वजह से मुझे अच्छा भी लगता है और काफ़ी पुराना भी है, अभी तक चल रहा है लेकिन है काफ़ी अच्छा। इस होता है ना मिनी चॉपर्स जो होते हैं वो, जैसे आप पनीर वगैरह जो है गार्निश करने के लिए अगर आप डालते हो चॉप्ड करके, तो वो चीज़ें हैं, तो मैं इससे अधिकतर अदरक वगैरह डाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अदरक डाल करके, जब तक कि मेरी दोनों चीज़ें चढ़ी हुई हैं, तब तक कि थोड़ी सी मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने सोचा थोड़ा बाहर हवा भी खा लूँ और बस पानी वगैरह भी पी लूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि पानी वगैरह भी थोड़ा सा पी लेती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि पानी खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए था, लेकिन गैस पे मेरे दोनों सामान चढ़े हुए थे तो इस वजह से मैं वहाँ पर नहीं गई। और बस यहाँ पर जो है मेरे जो है मेरा जो इवनिंग का काम था वो सारा कुछ मैं कंप्लीट करके, बस मेरी वर्मिसली भी बनने वाली है तो बस मैं यहाँ पर इसको भी खोल करके देख लूँगी कि मेरी कंप्लीट हुई कि नहीं। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा पानी रह गया था, आधी से ज़्यादा पक चुकी थी। अब बस मुझे यहाँ पर जो है इसको थोड़ी देर ढक करके और पकाना था, तो ये मेरी ढक करके हो गई थी और यहाँ पर बस मुझे थोड़ा सा ये भूनना रह गया था, तो वैसे मैं यहाँ पर इसको भून लूँगी अच्छे से। और एक साइड में मेरी चाय भी हो रही है, तो बस ये मेरी भून के रेडी हो गई है। और मुझे इसमें जो एक आती है ना हर्ब्स आती है जो कि हम पिज़्ज़ा और पास्ता वगैरह में डालते हैं, तो वो मेरे पास रखी थी, तो उस वो थोड़ी सी ना नीचे बैठ गई थी, मतलब कि जो बारिश की वजह से थी, तो इस वजह से बस मैं उसको थोड़ा सा मैंने उसको करके वो भी डाला है, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। ये पूरी मिक्स वाली हर्ब्स है, इसमें ऑरिगैनो और जितनी भी चीज़ें होती हैं ना सारी मिक्स है, ये मिक्सड हर्ब्स है, तो बस मैंने इसमें ये भी डाल दिया, इससे थोड़ा सा टेस्ट बड़ा अच्छा सा आ जाता है, इसलिए मैं डाल देती हूँ। तो ये मेरी भून करके रेडी हो गई है और थोड़ी सी भी गीली लग रही है, जितना ज़्यादा इसको भूनेंगे अच्छे से ये कुक अच्छे से भून जाती है, किसी कुरकुरी कुरकुरी हो जाती है तो काफ़ी खाने में बड़ी अच्छी। और इसमें आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो, जैसे कि शिमला मिर्च हो गई या गाजर हो गई या पत्ता गोभी हो गई या फिर जो है मटर वगैरह, जो भी आप चाहो तो इसमें डाल सकते हो। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने सिर्फ यही चीज़ें डाली, मोस्टली मैं यही चीज़ें ही डाल के बनाती हूँ, मैं और कुछ डाल के नहीं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी जो है जो इवनिंग का स्नैक्स था वो भी बन के रेडी हो गया है, नमकीन वर्मिसली जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बहुत ही यम्मी लगती हैं और मेरे यहाँ तो सभी को पसंद है, बच्चे भी खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर खूब अच्छे से इसको मैंने भून लिया है, बस अब मैं इसको प्लेटिंग करूँगी और प्लेटिंग करने के बाद आइए आप लोग भी खाइए करके और बताइएगा कैसी बनी है, खाने के बाद टेस्ट बताइएगा कि कैसी बनी है। तो लीजिए मैं आपके लिए भी परोस देती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। तो बस यहाँ पर जो है मेरी जो इवनिंग स्नैक्स था वो बन के भी रेडी हो गया था और यहाँ पे गाने चल रहे थे तो बेटी डांस कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा ज़रा सा शूट किया और जैसे ही उसने देखा कि मैं शूट कर रही हूँ बस नीचे झुक गई, देखा ना अपने। और बस यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा नेल पेंट वगैरह भी लगा लूँ, थोड़ा सा मन हो रहा था, काफ़ी जो लगी थी वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो बस मैं यहाँ पर नेल पेंट वगैरह भी लगाने के लिए आ गई। हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बस यहाँ पर मेरा जो भी इवनिंग का जो भी नाश्ता वगैरह था वो सब कुछ हो चुका है,
अब बस मुझे डिनर बनाना रह गया है। तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ डिनर बनाने, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी आपसे बात कर ली जाए। तो जो है बस आपने देखा कि मैंने बालों में आज सुबह कलर लगाया था, तो जो है काफ़ी अच्छा कलर वगैरह आया है उसका, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन भी आया है। बाल काफ़ी, मतलब इस कलर को लगाने के बाद ही होता है ना, बाल काफ़ी जो है सिल्की से और काफ़ी स्मूथ स्मूथ से हो जाते हैं सिर, और एक ये भी लगता है सिर बड़ा हल्का हल्का सा हो गया। तो बस जो है मुझे आज बड़ा अच्छा फील हो रहा है और सिर भी बड़ा हल्का हल्का सा लग रहा है। काफ़ी गर्मी जो थी वो भी थोड़ी सी कम लग रही है। तो बस मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर ली जाए, और गर्मी तो कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो फिर गर्मी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोग से लंच बनाने से पहले और अपना वीडियो एंड करने से पहले थोड़ी सी बात कर लूँ। मैंने सोचा थोड़ी जो है इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए आ गई। और जो है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो साइड में जो है रेड कलर का जो बेल आइकन दिखता है ना, उसको क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट वगैरह करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।